हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट आया है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे हैं, 7 से 8 हज़ार बच्चे हैं। तो ये मतलब किस सीट, कितने रैंक पे हम लोग सीट जो है अलॉट करेंगे और कितने सीट रैंक पे हम लोग को कौन सी कॉलेज मिलेगी। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो से जो जेवी पंत यूनिवर्सिटी का आपको कॉलेज मिलेगा, सिर्फ उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो अदर ब्रांचेस भी, अदर कॉलेजेस भी आपको मिल सकते हैं और उन कॉलेज में भी आपको ब्रांचेस मिल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी जेवी पंत यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अभी जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 2018 का है, ठीक है। 2019 का वेबसाइट पर मुझे नहीं मिला, तो मैंने 2018 का आपके सामने वेबसाइट जो है वो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप उससे थोड़ा सा आगे ही नहीं जाए, मतलब कि अगर इसमें मैं आपको 600 रैंक बताता हूँ तो 650 तक आप सोच सकते हो, क्योंकि जो इस बार बच्चे हैं वो भी कम हैं और इस बार उन लोग का कोई अपना इंटरनल एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जनरल के लिए जो अगर 337 रैंक तक है जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें, तो आपका हो जाएगा, उसके अंदर भी है या फिर वहाँ तक है तो हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो 529 रैंक चाहिए, एससी के लिए 1434, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए सब। एसटी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में 1030 रैंक तक हो सकती है। फिर हम बात करते हैं बीबीएससी एंड एएच, तो उसके लिए जनरल में आपको 115 रैंक चाहिए, सबसे हाई कट ऑफ इसी का जाता है। फिर ओबीसी के लिए 286 रैंक आपका रहना चाहिए, फिर उसके अंदर रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एससी के लिए 801 एंड एसटी के लिए 650, ठीक है। बीएससी फिशरी के लिए देखते हैं, तो उसके अंदर जनरल के लिए आपको 488 रैंक रहना चाहिए, मतलब या तो 300-400 ऐसा कुछ है या फिर 488। तो इस बार के लिए आप सोच सकते हो कि 500 भी आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो बीएससी फिशरी में 686 चाहिए, एसटी के लिए चाहिए 1330 एंड एससी के लिए चाहिए 2041, ठीक है। फिर बीएससी कम्युनिटी साइंस भी होती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जनरल के लिए आपको चाहिए 935 रैंक, ठीक है। तो मुझे जनरल के लिए जो सबसे हाई, ये सबसे जो कम रैंक दिखा यही दिखा। फिर अगर ओबीसी की बात करें तो 1432 रैंक चाहिए, एससी के लिए 3243 रैंक चाहिए एंड एसटी के लिए 3209 रैंक चाहिए। फिर फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जनरल के लिए 533 रैंक चाहिए, ओबीसी के लिए 660 रैंक चाहिए, एससी के लिए 2036 रैंक चाहिए एंड एसटी के लिए 1795 रैंक चाहिए। तो ये सारी बातें थी फर्स्ट राउंड की, ठीक है। लेकिन यहाँ दो राउंड तक काउंसलिंग प्रोसेस होती है एंड सेकेंड राउंड तक जाते जाते मैं आपको ये जनरल के लिए बता सकता हूँ कि 600 के अगर अंदर आपका रैंक है तो जनरली हो जाएगा एडमिशन आपका किसी न किसी बीएससी प्रोग्राम में, ठीक है। और ये जेवी पंत में ही होगा, ठीक है। कोई और कॉलेज रहेगा तो और भी आपका अगर कट ऑफ जैसे कि 700-800 है तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी सिर्फ जेवी पंत का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादा जीवी पंत यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सेकंड राउंड की अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो फूड टेक्नोलॉजी के लिए जो जनरल का कट ऑफ है वो है 549 रैंक, ठीक है। फिर जो ओबीसी के लिए है वो है 1014 रैंक, बाकी एससी और एसटी के लिए कोई यहाँ सीट नहीं बची थी तो यहाँ कोई रैंक नहीं दिया गया है। बीएससी कम्युनिटी साइंस में देखें तो आपको जनरल के लिए 1067 रैंक चाहिए, ओबीसी के लिए 1964, एससी के लिए 2976 रैंक एंड एसटी के लिए 3591 रैंक, ठीक है। अगर बीएससी फिशरी की बात करते हैं तो ये सो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे, और भी कॉलेजेस हैं कैसे आप इसमें अच्छे इनकम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, IIT, BHU और जो भी है IIT, NITs, फिर GFTI, ये सब भी बता रही हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो चैनल पे। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको जनरल में चाहिए 612 रैंक, ओबीसी में 1208 रैंक, एससी के लिए 2011 रैंक एंड एसटी के लिए कोई भी रैंक नहीं दी गई थी क्योंकि कोई भी सीट नहीं बची थी। फिर अगर हम बीबीएससी की बात करें तो इसमें किसी के लिए सीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए 891 अगर आपका रैंक आता है तो सेकंड काउंसलिंग तक आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको बीटेक का जानना है तो बीटेक के लिए मैं इसे कुछ देर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और भी जो जो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देना आपके लिए फायदेमंद होगा तो मैं वो सारे दे दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। लाइक करोगे तभी आप मुझे बनाने का मोटिवेशन होता है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।